चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों को लेकर भाजपा ने अपनी कमर कस ली है, जिसका असर शुक्रवार को देखने को मिला, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चंडीगढ़ पहुंचे, जिन्होंने विकासनगर मौली जागरा में पूर्वांचल के लोगों को एक जनसभा के दौरान संबोधित किया। आपको बता दें, चंडीगढ़ में काफी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं और चंडीगढ़ नगर निगम में अगर किसी भी पार्टी को भारी मतों से जीतना है तो उन्हें पूर्वांचल के लोगों की वोटों की आवश्यकता होगी। इसी को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पूर्वांचल के लोगों को संबोधित कर रहे थे। तो बाबर ने क्या किया, मुगल बादशाह ने कि राम जन्मभूमि का मंदिर ध्वस्त कर दिया। हम मिथिला के हैं, पूर्वांचल के हैं, जब मंदिर को तोड़ा तो उन्होंने बड़ी बेहरामी से खोजा कि सीता मैया का रसोईया कहाँ है, रसोईया को भी तोड़ दिया। कितना कष्ट हुआ होगा। लेकिन राम जन्मभूमि जिस पे लाखों लोगों ने अपनी शहादत दे दी, 400-500 वर्षों तक की लड़ाई लड़ी, अब भारत और सदी नरेंद्र मोदी जी का है, अब भव्य मंदिर भगवान से राम की अयोध्या में बनना प्रारंभ हो गया है। और आप लोगों को भी हम आमंत्रित करते हैं कि भगवान से राम मंदिर को शुद्ध करने के लिए सीता मैया की जन्मभूमि सीता मढ़ी से हम राजा जनक जहां हल चलाए थे वहां की मिट्टी लेकर जाएंगे मंदिर के जिस दिन उद्घाटन होगा उससे पहले, और उसके लिए हम आप सबों को अभी आमंत्रित कर रहे हैं। तक आपका ख्याल रखा है, कुछ बातें यहां हो रही थी, हमारे पप्पू शुक्ला जी बताए, अनिल दुबे जी बताए, हमारे संचालक महोदय जी बता रहे थे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल सूर जी बता रहे थे कि आपकी कुछ कुछ समस्या है, और वह समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, पूरे चंडीगढ़ की है। और मैं चंडीगढ़ की सेवा करने के लिए हमको प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री जी आपके पास भेजे हैं, तो मैं अच्छे लगन से इस देश के मुख्य चौकीदार मुख्य सेवक और इस देश के यशस्वी प्रधान गृह मंत्री प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो अपने को मुख्य सेवक कहते हैं, तो मैं एक सेवक बनकर और माननीय गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी के सानिध्य में मैं आपका और चंडीगढ़ के एक एक लोगों की मैं सेवा करने के संकल्प के साथ मैं चंडीगढ़ आया हूं। संकल्प के साथ हजारों कोसों दूर मील विदेशों में जाकर बनाया है बसाया है, तो चंडीगढ़ तो हमारी मातृभूमि का हिस्सा है, हमारी मातृभूमि का हिस्सा है। तो आपको एक बार जरूर आभार व्यक्त करेंगे हम, और हम तो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने चंडीगढ़ के लोगों के लिए मुझको यहाँ भेज दिया है, हम तो सबकी सेवा करेंगे और आपको तो दोहरा भार उठाना पड़ेगा। सेवा तो हम आपकी भी उसी तरह करेंगे जिस तरह से सबका करेंगे, लेकिन आपका लिट्टी चोखा हम जरूर खाएंगे, पक्का। तो खाएंगे तो आपको तो लगता है कि अच्छा ही लगेगा, तो भोजपुरी का हम लोग लिट्टी चोखा खाएंगे, मिथिला का वहाँ तो लिट्टी चोखा लोग खाते हैं लेकिन वहाँ का तो बहुत माछ मखान पान, तो माछ तो हम खाते नहीं है लेकिन मिथिला का हम पान और मखान जरूर खाएंगे। दही चूड़ा तो पूरे बिहार में खाते हैं भाई, दही चूड़ा पर अकेले हक नहीं दिखाना भाई, हम भी मिथिला ही से सांसद है मालूम है कि नहीं, समस्तीपुर से, उजियारपुर विधानसभा से, ये लोकसभा से। और तब अंग का, अंग प्रदेश, और बिना मगध का सत्तू नहीं बनता है, पता है कि नहीं, सत्तू कहाँ होता है, चना कहाँ होता है, मगध प्रदेश में होता। ताजा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।